हूं आपका दोस्त आलोक और आप देख रहे हैं आलोक सब्लिमेशन टेक। आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं कि हॉट पॉट मेटल बोतल पे आप फोटो कैसे प्रिंट कर सकते हैं, वो भी 5-in-1 हीट प्रेस मशीन के अंदर। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथों में हॉट पॉट वाली बोतल है। ये देखिए इसकी पैकिंग आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से पैकिंग में आपको मिलता है ये बोतल। ये देखिए इसके अंदर ये पॉलीथीन आपको मिलती है। बोतल की क्वालिटी आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया बॉटल है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सील इस तरीके से लगा हुआ है, इसका कैप देख सकते हैं इस तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है कि आप इसको कहीं भी आराम से इजली कैरी करके ले जा सकते हैं। आप इस स्कूल कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ये बोतल लीक नहीं होगी आपकी। ये देख सकते हैं यहाँ पर रबड़ किस तरीके से दिया गया है। और आपको बता दूं कि इसके अंदर जो भी आइटम, अगर आप इसके अंदर कुछ ठंडा डालते हैं तो आप 24 आवर्स इसको जो है ठंडा आप इसको रख सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ गर्म रखते हैं, गर्म आप इसको यूज करते हैं, चाय कॉफ़ी अगर आप इसमें रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये 12 घंटा तक आपका जो है, जो भी रहेगा आपका वो 12 घंटे तक आपका हीट रहेगा, ये गर्म रहेगा हॉट पॉट बोतल के अंदर। और ये कस्टमाइज वाला बोतल है, आप इसके ऊपर कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं। शबली में सलामा आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिज़ाइन आप देख सकते हैं, पीछे की बैक साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसके कैप के ऊपर भी डिज़ाइन देख सकते हैं कि किस तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है। आप इसके ऊपर सब्लिमेशन प्रिंटिंग के द्वारा 5-in-1 हीट प्रेस मशीन के अंदर भी आप वो इसको जो है इजिली प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने प्रिंट करने की कोशिश की, अगर आप लोगों ने प्रिंट नहीं कर पाए हैं तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि 5-in-1 हीट प्रेस मशीन के अंदर आप लोग इसको कैसे एडजस्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए आलोक सब्लिमेशन टेक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके के प्रिंटिंग आइडियाज के वीडियो सबसे पहले आप तो आपको मिलते रहें। ये देखिए पैकिंग कुछ इस तरीके से मैंने आपको दिखाया यहाँ पर। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हॉट पॉट वाली बॉटल आप देख सकते हैं, इसके ऊपर कस्टमाइज करके आप अपना लोगो, अपनी फ़ोटो आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पर हम लोग देखेंगे, डिज़ाइन करना सीखेंगे कि किस तरीके से ये हॉट पॉट बॉटल के लिए आप लोग जो है इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। क्वालिटी आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना बढ़िया ये आपका बॉटल दिखाई पड़ रहा होगा। सब्लिमेशन प्रिंटिंग के द्वारा आप लोग इसके ऊपर मनचाही फ़ोटो आप प्रिंट कर सकते हैं और कस्टमर को इजिली इसको सेल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इसमें लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आती है दोस्तों, जिस तरीके से और बॉटल में आ जाती है। तो आप अपने मनचाही फ़ोटो इसमें जो है लगा सकते हैं और सब्लिमेशन प्रिंटिंग के द्वारा फ़ोटो आप इस पर प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपके पास 5-in-1 हीट प्रेस मशीन नहीं है तो मल्टी फंक्शन बैक कवर प्रिंटिंग मशीन में भी आप लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन आज दोस्तों जो हम आप लोग को बताने वाले हैं कि आप लोग 5-in-1 हीट प्रेस मशीन के अंदर इस बोतल को आप लोग कैसे, ये देखिए दोस्तों हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, जहां पर हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं कि हॉट पॉट बोतल के लिए फ़ोटो कैसे डिज़ाइन करेंगे, किस साइज़ में डिज़ाइन करेंगे। तो यहां पर देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये मैं स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम लोग पहले फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। अगर आप लोग दोस्तों फ़ोटोशॉप का प्रयोग करते हैं तो फ़ोटोशॉप से आप लोग इसको इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग फ़ोटोशॉप का यूज नहीं करते हैं, कोरल ड्रा करते हैं या किसी और सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं आप लोग, तो उससे भी इसको डिज़ाइन करके, फ़ोटो डिज़ाइन करके बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर जो है फ़ोटो डिज़ाइन कर लिया है। साइज़ में आप लोगों को बता दूँ, यहाँ देखिए मैंने कुछ फ़ोटोज़ बना करके यहाँ पर रखा हुआ है, जो कि सब्लिमेशन प्रिंटिंग के द्वारा हम लोग इसको प्रिंट करेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट पहले डिज़ाइन को निकाल लेते हैं कि किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, किस साइज़ में डिज़ाइन करेंगे। आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आप लोग डिज़ाइन करेंगे तो आप लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ जो है निकाल के रखा है, जो कि इस बॉटल के ऊपर हमको प्रिंट करनी है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये देखिए साइज़ की बात करें दोस्तों, तो इसको जो है मैंने 8x जो है 4.5 में मैंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। साइज़ में आप लोगों को यहाँ पर बता दे रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से इसको नाप करके तब डिज़ाइन करिएगा। मैंने यहाँ पर जो डिज़ाइन यहाँ पर तैयार किया है वो आप लोग देख सकते हैं, जो कि मैंने ये मिरर कर दिया है। और आप लोगों को बता दूँ कि इसको प्रिंट करते समय दोस्तों मिरर करके ही प्रिंट आपको निकाला है। ये देखिए मैंने ऑलरेडी इसको मिरर कर रखा है, अगर आप लोग नहीं कर पाते तो यहाँ कंप्यूटर की सेटिंग में जा करके यहाँ से आप मिरर कर लीजिए, मिरर करके तब आप इसको प्रिंट दीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको मिरर कर लिया और अब हम लोग इसको प्रिंट दे देते हैं।
प्रिंट कैसे करना है ये तो आप लोगों को आइडिया होगा ही, अगर नहीं है तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो में जा करके वहाँ पर देख सकते हैं कि प्रिंटिंग की सेटिंग कैसे करते हैं और किस तरीके से इसको सेट करके प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं तुरंत आप लोगों को प्रिंट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप लोग इसको मिरर करके सब्लिमेशन पेपर पे सब्लिमेशन इंक की सहायता से यहाँ पर आप लोग इसको प्रिंट दे देंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए प्रिंट जो है मेरा निकलना स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों प्रिंट आउट हम लोगों का निकल चुका है, ये देख सकते हैं आप, जो कि सब्लिमेशन पेपर पे सब्लिमेशन इंक की सहायता से हम लोगों ने इसको प्रिंट निकाला है। अब हम लोग इसकी कटिंग कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए बराबर में इसको दोनों तरफ से साइड से हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये कटिंग जो है हम लोगों ने इसको कर लिया है। और अब हम लोग इस बॉटल के ऊपर जिस पे हमको प्रिंट करना है, सबसे पहले इसका ढक्कन खोल के हम लोग अलग कर लेंगे, क्योंकि इसमें प्लास्टिक का है, इसको हम लोग अलग रखेंगे। उसके बाद बॉटल को बढ़िया से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हम लोग प्रिंट आउट हम लोगों का निकल चुका है, अब हम लोग इसको बॉटल के ऊपर, ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर देख करके बराबर में इसको सेट कर देंगे जहाँ पर हमको प्रिंट करना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर बॉर्डर बना हुआ है, ये देख सकते हैं लकीर यहाँ पर खींची हुई आप लोगों को दिखाई पड़ रही होगी, उसको देखकर उसके अंदर ही हम लोगों को इसको लगा देना है कुछ इस तरीके से। देख रहे हैं ये थोड़ा सा इधर ऊपर हो गया है, तो हम लोग इसको अंदर कर लेंगे, ये देखिए। और इसको करने के बाद हम लोग सब्लिमेशन टेप की सहायता से हम लोग इसको लॉक कर देंगे बढ़िया से कुछ इस तरीके से, ये देखिए। ये देखिए दोनों तरफ से हम लोग इसको बढ़िया से बराबर में करने के बाद इसको लॉक कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को प्रिंटिंग में कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं कि किस तरीके से इसमें प्रिंट होगा। ये देखिए बढ़िया से इसको लॉक कर देंगे ताकि आपका प्रिंट जो है, चूंकि 5-in-1 हीट प्रेस मशीन के अंदर हम लोग इसको प्रिंट करने वाले हैं, तो ये हिले नहीं है आपका प्रिंट। मान लीजिए एक बार में आप लोग इसको नहीं प्रिंट कर पाते हैं तो दोबारा इस तरीके से कैसे प्रिंट करेंगे, चलिए हम आप लोगों को इस वीडियो के अंदर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा ये बॉटल कंप्लीट हो चुका है, जो कि सब्लिमेशन प्रिंटिंग के लिए ये तैयार हो चुका है। तो चलिए 5-in-1 हीट प्रेस मशीन के ऊपर, जहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि किस टाइम और टेम्परेचर के अंदर आप लोग को इसको प्रिंट करना होगा। हम लोग 5-in-1 हीट प्रेस मशीन के ऊपर आ चुके हैं, जहाँ पर हम लोग टाइम और टेम्परेचर सेट करना सीखेंगे। तो ये देखिए मशीन को हमने ऑन कर दिया कुछ इस तरीके से, और हम लोग ये मोर की बटन प्रेस करेंगे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मिनिमम टेम्परेचर जो यहाँ पर शो कर रहा है 290 है, और मैक्सिमम टेम्परेचर जब इसको मोर वाली बटन दोबारा प्रेस करेंगे तो यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर जो शो कर रहा है वो 330 है। और टाइमिंग दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 60 सेकंड का है। तो हम लोग जो बोतल को प्रिंट करने वाले हैं वो हम लोग रखेंगे इसको 300 रखने वाले हैं, जो 290 है इसको हम लोग बढ़ा करके 300 कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और ये जो लास्ट वाला मैक्सिमम टेम्परेचर है आपका, ये 330 ही इसको हम लोग रखने वाले हैं। और टाइमिंग जो है इसका दोस्तों, इसको थोड़ा सा टाइमिंग हम लोग यहाँ पर इंक्रीज कर लेंगे, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इसको ये देखिए इसको 70 सेकंड कर लेंगे हम लोग, ये देखिए
ये देखिए मशीन हमारी जो है हीट होना स्टार्ट हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर मैं सीक्रेट बताने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 5-in-1 हीट प्रेस मशीन की अटैचमेंट मशीन है, जिसमें यहाँ पर मैंने देखा था कि ये मशीन जो है जब हम लोगों ने यहाँ पर बोतल प्रिंट करने की कोशिश की, यहाँ पर लगाने की, एडजस्ट करने की, तो यहाँ पर इसकी थिकनेस देख सकते हैं, चूँकि ये थोड़ा सा ये मग प्रिंटिंग के थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा पतला है ये, तो ये 5-in-1 हीट प्रेस नॉर्मल मशीन के अंदर ये जो है आपका नहीं आ रहा था, ये कुछ इस तरीके से, तो मशीन थोड़ा सा ये ढीला था, इसका जो है दबाव बराबर नहीं बन पा रहा था दोस्तों, तो मैंने इसमें कुछ एडजस्टमेंट किया है। अगर आप लोगों की मशीन में इस तरीके की दिक्कत आ रही है तो आप लोग भी इसको इसके साथ सेटिंग कर सकते हैं। तो ये सेटिंग मैं आप लोगों को दोस्तों लास्ट में बताऊंगा, ये प्रिंट करने के बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरीके से इसमें सेटिंग करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों और देखते रहिए आलोक सब्लिमेशन टेक। अगर आप लोग दोस्तों लास्ट तक देखेंगे तभी इस वीडियो के अंदर प्रिंटिंग आइडियाज को सीख पाएंगे। तो ये देखिए मशीन हीट हो रही है, जैसे ही मशीन बीप की आवाज़ करेगी हम लोग इस बॉटल को प्रिंट करके आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से आप लोग भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों मशीन जो है हीट हो चुकी है, बीप की आवाज़ कर रही है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग जो है मशीन के अंदर ये जो आपका हॉट पॉट बोतल है इसको हम लोग किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। तो ये देखिए ये मेरी बॉटल है, ये देखिए चूंकि पूरा तो एक बार में आएगा नहीं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर चूंकि इसकी साइज़ और इसकी साइज़ में थोड़ा सा अंतर है, तो हम लोग इसको दो बार में इसको प्रिंट करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर बॉटल को लगाना होगा, ये देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर एडजस्ट करना होगा, ये देखिए, और इसको इस तरीके से प्रेस कर देना होगा बराबर में, और लास्ट वाली बटन दोस्तों इस तरीके से इसको प्रेस कर देना होगा। ये देखिए टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है इसका चलना, ये देखिए चूंकि बॉटल थोड़ा सा ठंडी है तो माइनस में टेम्परेचर इसका जा रहा है, और ये देख सकते हैं यहाँ पर बॉटल को मैंने किस तरीके से एडजस्ट किया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने प्रिंट लगाया था दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर दिख नहीं रहा है साइड साइड में, इसका मतलब पूरा ये आपका एडजस्ट हो चुका है, एक बार में आप लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आपका कुछ बचा रहता है इसमें साइड में, अगर आपको डाउट रहता है कि प्रिंट हमारा थोड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ा आगे तक आपने अगर यहाँ पर डिजाइन कर रखा है तो उसको भी आप लोग एडजस्ट करके दोबारा में इसको प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक बार कर दिए हैं। अगर हम लोगों का प्रिंट बढ़िया नहीं आता तो हम लोग थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके आगे पीछे करके भी प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों कुछ ही सेकंड बचा हुआ है, ये देखिए हमारा जो टाइम मैंने यहाँ पर दिया था और देखिए टाइम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम लोग दोस्तों इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके भी प्रिंट करेंगे, क्योंकि एक बार में हमें लगता है कि प्रिंट नहीं आया होगा सही, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इस तरीके से बॉटल को निकाल करके। देखिएगा थोड़ा सा बॉटल चूँकि हीट हो सकती है, इसको करने के बाद थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये देखिए। और यहाँ पर जो टेप हम लोगों ने यहाँ लगाया है इसको ऊपर की तरफ रखना है और थोड़ा सा इसको प्रेशर और थोड़ा सा इस पर दबाव देंगे, ये देखिए हमको लगता है कम है अभी, एडजस्ट करके थोड़ा सा और प्रेशर इसको हम लोग देंगे, तो इस तरीके से हमने फिर से टाइमिंग यहाँ पर लगा दिया है। कुछ ही सेकंड में दोस्तों ये फिर से कंप्लीट हो जाएगा टाइम, फिर हम आप लोगों को निकाल के इसको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसका प्रिंट आया हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइमिंग चल रहा है, ये देखिए। मान लीजिए कि एक बार में अगर आप लोगों ने छोटा प्रिंट लगाया तो एक बार में आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आप लोगों ने थोड़ा सा बड़ा प्रिंट आकर इसमें सेट किया है तो एक बार में नहीं होगा, तो दोस्तों दो बार में आगे पीछे करके आप लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप लोग 5-in-1 हीट प्रेस मल्टी फंक्शन में अगर आप लोग करते हैं तो इसमें तो वो इजिली प्रिंट हो जाता है। ये देखिए दोस्तों टाइम जो मैंने यहाँ पर दिया था, देखिए कुछ ही सेकंड बचा हुआ है दोस्तों, जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा मशीन बीप की आवाज़ करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बोतल हॉट पॉट वाली मैंने बोतल यहाँ पर एडजस्ट करके लगाया हुआ है प्रिंटिंग के लिए, तो जैसे ही बीप की आवाज़ करेगी दोस्तों हम लोग यहाँ से बोतल को निकालेंगे और देखेंगे प्रिंटिंग किस तरीके से आपकी आई है यहाँ पर। तो देखिए कुछ ही सेकंड बचा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये देखिए मशीन जो है बीप की आवाज़ कर चुकी है, अब हम लोग पहले मशीन को ऑफ़ कर देंगे कुछ इस तरीके से।
ये देखिए, उसके बाद हम लोग इसको निकालेंगे यहाँ से। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, बोतल दोस्तों गर्म है, इसलिए आप लोग सावधानी पूर्वक इसको निकालेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट कंप्लीट दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। तो चलिए हम लोग बोतल को इसको ओपन करके देख लेते हैं किस तरीके से प्रिंटिंग आई हुई है यहाँ पर। ये देखिए, आराम से करना है दोस्तों, क्योंकि बॉटल हीट है आपका। ये आप लोग यहाँ पर ग्लव्स का प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया प्रिंट आया हुआ है, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर, ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं कितना बढ़िया प्रिंट आया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, देखना है ये दोस्तों। अगर आप लोग बढ़िया से जो है इसका इंक और पेपर बढ़िया वाला यूज करेंगे तो प्रिंटिंग क्वालिटी भी आपकी बढ़िया आएगी इस तरीके से। ये देखिए, मैं कैमरा जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको दिख रही है इसकी प्रिंटिंग, आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं कितना बढ़िया प्रिंट आया है दोस्तों। ये देखिए, और अब टाइम हो चुका है आप लोगों को बताने के लिए, अगर आप लोगों की मशीन में एडजस्ट नहीं हो रहा है बोतल तो आप लोग कैसे इसकी सेटिंग करेंगे, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ जिसके लिए आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। ये देखिए, ये मशीन है 5-in-1 हीट प्रेस मशीन दोस्तों, इसमें दबाव कम बन रहा था तो इसके लिए मैंने जो है एक यहाँ पर जुगाड़ की व्यवस्था किया था। ये आप देख सकते हैं जब आप इसको निकालेंगे यहाँ पर तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, मैंने इसके अंदर ये इस तरीके का गत्ता डाल दिया था ताकि ये जो है दबाव थोड़ा सा ज़्यादा इस पर बने, ये हीट हो जाए, इसलिए दबाव ज़्यादा बन रहा था, तब ये जाके आपका बोतल ये प्रिंट हुआ है एडजस्टमेंट। क्योंकि ये मग प्रिंटिंग के लिए है 5-in-1 हीट प्रेस मशीन, उसमें ये आपका एडजस्ट नहीं हो रहा था बोतल, तो हम लोगों ने इसके लिए ये जुगाड़ लगाया था दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो दोस्तों तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ये आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।